संजय निरुपम ने पूरा डायग्नोसिस एनालिसिस कर दिया है और हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, 400 पार जाने वाली पार्टी आज 40 के लिए भी क्यों संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। संजय निरुपम ने जो वजह बताई है उनमें कितनी सच्चाई है, उसको किस तरह से हमारे एक्सपर्ट देखते हैं, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। विजय जी, बात करें, एक 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 लॉबी को हम डिस्कस कर रहे थे, हमने प्रियंका गांधी की बात करी है, हमने सोनिया गांधी की बात करी है, अब राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कांग्रेस को न्याय दिलाने की, देश को न्याय तो बाद में होगा, देश को जोड़े, कांग्रेस को जोड़कर रखने की, वो दोनों ही काम नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है, और राहुल गांधी को समझना चाहिए कि राहुल गांधी को जितना मौका गांधी परिवार में और कांग्रेस में मिला शायद ही किसी नेता को मिला होगा। सबसे ज़्यादा मौका उनको दिया गया, मुझे याद आता है जब वो 2013 में जयपुर में उनका पार्टी का अधिवेशन हो रहा था तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात थी, लेकिन जिस तरह से माहौल बना, सब कुछ हुआ, तो फिर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जब तक वो रहे तो उसमें 80% से ज़्यादा इलेक्शन कांग्रेस ने हारे उस समय। उन्होंने कोई उस तरह की नई लॉबी नहीं बनाई जो राजीव गांधी ने NSUI को, यूथ कांग्रेस को एक मजबूत तैयार किया था, एक नया संगठन किया था, जो आज कांग्रेस की आप जनरेशन देख रहे हैं, सेकंड जनरेशन, वो राजीव गांधी ने उस समय बनाई थी NSUI और उनके साथ, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो और तमाम तरीके के नेता, लेकिन राहुल गांधी अपने रास्ते पर चलते रहे। शायद ऐसा लगता है क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है कि जब जयपुर में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया तो उनका भाषण था और उन्होंने भाषण को शुरू किया कि आज सुबह माँ जो है मेरे कमरे में आई और उसने कहा कि पावर इज पॉइजन, राजनीति एक जहर है, तो वो जहर अगर राहुल गांधी ने समझा था तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था, और जो लोग स्वीकार करते हैं वो शिव भी बन सकते हैं, दोनों में से एक काम कर सकते हैं, या तो आप शिव बन सकते हैं जहर से या मर भी सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो जहर समझ तो गए, माँ ने बताया, लेकिन उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वीकार करने के बाद उससे नीलकंठ बनने की ताकत या जो स्ट्रेटजी थी वो राहुल गांधी के पास नहीं थी, वो उसका लगातार नुकसान उठाते रहे, एक इनएक्सपीरियंस था, तो जो पार्टी में अलग अलग तरीके के पावर ग्रुप्स थे, अलग अलग जो दिग्गज नेता थे जिनकी दुकानें बनी हुई थी, वो उन पर राज दबाव बनाते रहे और राहुल गांधी हर दिन उनके हिसाब से नीतियों को बदलते रहे, लीडर्स को बदलते रहे, तमाम तरीके के काम वो करते रहे, उसकी वजह से राहुल गांधी लगातार हारते भी गए। आज फिर भी वो फाइटर के तौर पर दिखाई देते हैं, कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि उनकी इमेज क्यों खराब हुई, क्योंकि वो फाइटर के तौर पर भी हारने लगे थे और वो समझ रहे थे कि ये अब कुछ उनके बस का नहीं रहा है, लगातार लड़ाई रही, और सोनिया गांधी जी पुत्र प्रेम की वजह से या जो भी कारण रहा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद भी जब उन्होंने लोकसभा चुनाव हार गई पार्टी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी वो आधे अधूरे मन से, आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है राहुल गांधी जी, लेकिन क्या जो आप पावर सेंटर की है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी फैसले से पहले राहुल गांधी की तरफ नहीं देखते, और राहुल गांधी उस जिम्मेदारी से बचने के लिए कहते नहीं नहीं सर आप ही अध्यक्ष हैं आप देख लीजिए, वो कोई रास्ता नहीं दिखा रहे, एक लीडरशिप का तरीका होता है, आज भारतीय जनता पार्टी चार चार पर, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप अकाउंटेबिलिटी उसकी लेंगे, और खड़गे साहब सोचते हैं कि ये दुकान ही उनकी है, अभी तक खड़गे साहब शायद ये महसूस ही नहीं कर पाए हैं कि भाई वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी फैसला कर सकते हैं। चलिए उनकी लॉबी और उन पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आरती टिक्कू जी, राहुल गांधी के सलाहकार गलत हैं या ये मान लिया जाए कि हाँ राहुल गांधी जो हैं वो चाहकर भी, तमाम मेहनत करके भी, तमाम यात्राएं करके भी एक फुल फ्लेज पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं खुद को दिखा पा रहे हैं? देखिए राहुल गांधी मुझे लगता है कि शुरुआत का जो अवतार था उनका उससे बिल्कुल ये साफ हो गया था कि राहुल गांधी राजनीति में एक अच्छे फिट नहीं है, और जो उन्होंने री इन्वेंट करने की कोशिश की अपने आप को, उन्होंने केजरीवाल को अपना रोल मॉडल बनाया, आपको याद होगा एक टाइम पे तो वो उनकी तरह ही रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी बनना चाहते थे, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चलने वाला नहीं है, उनकी कंस्टिट्यूंसी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर उन्होंने मोदी जी की कॉपी करना शुरू किया, अपने आप को शिव भक्त बोलने लगे और मंदिर जाने लगे, तो ये जो दूसरों को कॉपी करना और उसमें अपनी रीइन्वेंशन करना, मुझे नहीं लगता है कि जनता, आज की जनता को कम से कम आप इतना बेवकूफ़ बना सकते हैं और वो इस ऐसे मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात राहुल गांधी की कि उनको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो बहुत डीप रूटेड है,
वो कई बार खुद भी उन्होंने पुराने स्टेटमेंट्स में कहा है कि वो चाहते तो कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या बन सकते थे। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इससे भी लोग जो है घृणा करते हैं। मैंने कई सारे देश के भिन्न भिन्न शहरों में, गाँव में मैंने लोगों से अक्सर पूछा है कि वो राहुल गांधी को क्यों नहीं वोट करते, वो क्यों नहीं पसंद करते, ये तो राहुल गांधी उसी फैमिली से आते हैं जिस फैमिली की इंदिरा गांधी थी, जिनको वोट करती थी, जो रूरल जनता की बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले। तो लोगों का कहना था, लेकिन ये हमारी भाषा नहीं बोलता, हमारे क्लास के का ये हिस्सा नहीं है, ये हमारी तरह सोचता नहीं है। और उनके विपरीत में जब वो मोदी जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी जी हमारी भाषा बोलते हैं, मोदी जी हमारे सदर पे आ सकते हैं, वो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे रहते हैं, उनका रहन सहन हमारे जैसा है जी। तो जो राहुल गांधी की इमेज जो है एक एलिटिस्ट इमेज, ये रूरल इंडिया में ये फिट नहीं बैठती। दूसरा उनका कि वो एक नेचुरल पॉलिटिशियन नहीं है, और तीसरा उनका कि ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इससे अब लोग इम्प्रेस नहीं हो। चलिए, तो ये आपने मोटे मोटे 3 से 4 कारण बताए हैं। संगीत रागी जी, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अगर आपसे पूछूं कि राहुल की जगह कांग्रेस ने अगर किसी और नेता में ये पिछले 10 साल इन्वेस्ट किए होते तो शायद कांग्रेस बेहतर स्थिति में होती, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं थोड़ा सा राहुल पर मैं एक दो चीज़ें बोल देना चाहता हूँ। देखिए, भारत का नेतृत्व वही कर सकता है जिसको भारत की समझ हो। आप देखेंगे कि जो भी राष्ट्रीय स्तर का नेता रहा है उसको इस पूरे राष्ट्र की समझ होती है। क्षेत्रीय दलों की समझ अपने क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। तेलुगु देशम का चंद्रबाबू नायडू बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो DMK हैं वो वहाँ से बाहर नहीं रहे, क्योंकि वो समझ और अपनी सीमा रेखा, उनकी मर्यादाएँ तय हैं, वहीं तक रहते हैं। नीतीश कुमार की समझ वहीं तक थी, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व तक आ रहे, पूरे देश का नेतृत्व, वो फेल कर जाते हैं। कोई भी BSP एक बार जीत करके आती है, उनको पूरे देश की समझ नहीं है। नरेंद्र मोदी उस मिट्टी से निकले हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। इतनी लंबी यात्रा कर ली पैदल, मैंने फिर कहा, तब भी उनको ये समझ नहीं आ, फिर कह रहे हैं। मैं फिर कहा, उनकी यात्रा जो थी हेडलाइंस कैच करने वाली थी। नरेंद्र मोदी घर्षण से निकले हैं, वो धूल फांके हैं, वो गांव में जा करके ऐसे पिए हैं दिन के। हाँ, तो भी राहुल गांधी की गलती है कि वो गांधी परिवार में पैदा हुए और सिक्योरिटी और तमाम रीजंस की वजह से वो धूल नहीं फांक पाए। मैं इस कारण से इसका उत्तर देखिए, कहा जाता है ए लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और दूसरी पहचान होती है कि लीडर एक सिचुएशनल लीडरशिप है, आप क्राइसिस को कैसे हैंडल करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार आपको क्राइसिस हो जाता है और आप हाथ आपके कांपने लगते हैं, पैर थरथराने लगते हैं। अर्जुन को क्या हुआ था? अर्जुन को तो कुरुक्षेत्र में यही हुआ था ना, वो वही तो, उसको भी तो एंटाइटलमेंट था, लेकिन वहां पर एक कृष्ण जैसा सारथी वहां पर बैठा हुआ था, ये देखो ये सामने सब मरे हुए हैं, मारो इनको, तुम में क्षमता है, जगाया वो। हनुमान में वही थी। तो राहुल में क्षमता है, सारथी की कमी है। मैं तो राहुल जी में फिर यही बात कर रहा हूँ। राहुल को जैसे मुझे एक गाइड का नायक याद आ जाता है। वो बेचारा जेल से निकल करके आया था, मंदिर में बैठा, लोगों ने उसको बहुत बड़ा संत मान करके पूजा करने लगा और कहा उपवास कीजिए, आप करेंगे तो 12 दल बरस जाएगा, और 10 दिन उपवास करके वो मर गया। राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता की कमी है, मूलतः वो पॉलिटिशियन नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, व्यक्ति के नाते वो बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, व्यक्ति के नाम पर वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक कुशलता चाहिए उसमें सारी चीजें चाहिए आपको, क्षमता आप में, साहस आप में, धैर्य, निपुणता, शतरंज की बाजी आप में कितनी है, आप दुश्मनों को, आप जो विपक्षी है उसको आप परास्त करने की क्षमता क्या है, नए नैरेटिव कैसे बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में, या वो चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, दोनों में किसी के पास क्षमता हो। हाँ, श्रीमती सोनिया गांधी ने जरूर उस क्राइसिस के समय में कांग्रेस का एक बहुत अच्छा नेतृत्व किया, जिसका लोहा सभी ने माना था।